हेलो गाइस, व्हाट्स अप, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल। आप देख ही रहे हो कि मैं एक इंडियन अटायर में हूँ, साड़ी में हूँ, ट्रेडिशनल साड़ी, वो भी काफ़ी टाइम के बाद एक ट्रेडिशनल लुक लेके आई हूँ। और यू कैन ऑल्सो से दिस इज़ अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, या छोटे मोटे फंक्शंस में आप ऐसे रेडी होकर जा सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है वो सिर्फ मेकअप ट्यूटोरियल नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ एक रिव्यू भी शेयर करूंगी, छोटा मोटा रिव्यू फाउंडेशन की। दिस इज के ब्यूटी फाउंडेशन एंड इसका रिव्यू मैं शेयर करने वाली हूँ। स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है मैंने, उसके बाद आपको करना है स्किन को प्रेप। उसके लिए मैं यूज करूंगी एक मॉइस्चराइजर, दिस इज द हाइड्रा बूस्ट मॉइस्चराइजर बाय न्यूट्रोजीना, बिल्कुल वाटरी बेस है। अभी कुछ लोग कहेंगे कि विंटर सीजन में आप ये वाला मॉइस्चराइजर क्यों अप्लाई कर रहे हो। दोस्तों, हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्किन के लिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल बेस लगाऊंगी, इससे क्या होगा, स्किन डबल नरिशमेंट मिल जाएगी स्किन। आफ्टर दैट आई अप्लाई अ फेशियल ऑयल, दिस इज बाय लव अर्थ 24K गोल्ड ऑयल। आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज कर सकते हो। That's it. अभी आती है फाउंडेशन अप्लाई करने की बारी। फॉर दैट आई एम यूजिंग हर के ब्यूटी फाउंडेशन, बहुत फेमस प्रोडक्ट है। एंड पैकेजिंग के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। पैकेजिंग इज रियली नाइस, दिस इज अ ग्लास बॉटल, लेकिन बहुत सावधानी से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पर, यू हैव टू कीप इन माइंड के अगर ये गिरती है तो टूट सकती है। क्वांटिटी आपको मिल रही है 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर रुपीज ऑलमोस्ट 1200। तो ये हम बहुत ज़्यादा यू नो हाई बजट वाली फाउंडेशन नहीं कह सकते, एंड बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं, इट्स अ मीडियो केयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। एंड मेरा शेड है 125 वाई मीडियम। ठीक है, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज इट कम्स विद अ पम्प, सो दिस इज रियली हाइजेनिक। आपको फिंगर डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहां से ही स्क्वीज करके प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। सो मैं यहाँ पर 2 pumps ऑफ प्रोडक्ट ले रही हूँ। फ्रेंड्स, विंटर में क्या होता है कि फाउंडेशन वगैरह थोड़ी सी जम जाती है, तो यू नीड टू वार्म अप द प्रोडक्ट बिफोर यू अप्लाई इट ऑन योर फेस। अच्छे से आप हाथ में लेकर इसको थोड़ा सा बस कुछ टाइम के लिए इसको वार्म अप कर लीजिए, नहीं तो आपको फाउंडेशन अप्लाई करने में, ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है। मैंने ब्रश के साथ भी ट्राई किया है, लेकिन ब्रश के साथ उतना ज्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी के फाउंडेशन कितनी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है, एंड ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल यू नो हैवी नहीं है, लाइक थोड़ा सा थिक दिखता है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत थिक कुछ लगा लिया आपने, खूब यू नो बहुत ज़्यादा स्टिकी या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको फील नहीं होगी। इट्स रियली लाइट एंड आप इसको डेली बेसिस में भी यूज़ कर सकते। कवरेज के बारे में बात करते हैं। कवरेज आपको मिलते हैं मीडियम कवरेज, लाइट टू मीडियम कवरेज। फुल कवरेज वाली फाउंडेशन है नहीं है, वैसे मेरे फेस पर कोई स्पॉट्स नहीं है कि मैं आपको दिखा पाऊँ, लेकिन फाउंडेशन के तौर पर सेम प्रोडक्ट मैं लगा लूँगी। दोस्तों, मेरे तरफ से ये फाउंडेशन हाईली रिकमेंडेड है। आप कोई भी स्किन टाइप हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके लिए सूटेबल है। इट्स रेगुलर यूजेज के लिए भी काफ़ी अच्छी है, एंड अगर आप पार्टीज़ वगैरह में जा रहे हो तो आप डबल लेयरिंग कर सकते हो, जैसे कि आज मैंने किया है, एंड विदाउट कंसीलर आप देख रहे हो ये वाली।
इफेक्ट, ठीक है। एंड द थिंग इज़ के इसकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी है एंड मुझे इसमें कोई भी कॉन नज़र नहीं आया फिलहाल, और ऑक्सीडाइज भी नहीं होती है। नाउ टू सेट द फाउंडेशन आई यूज़ अ कॉम्पैक्ट पाउडर बाय मैक स्टूडियो फिक्स। आपको पता है दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट एंड NC30 इज़ माई शेड। फॉर आई शेडो पैलेट आई एम यूजिंग हेयर हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड रिमास्टर्ड पैलेट। इनमें से मैं ये सारी कलर्स यूज करूंगी आज, उसके बाद ग्लिटर्स हम यूज करेंगे। पहले मैंने यूज किया था एक मरून शेड, डार्क मरून शेड, उसके बाद मैं अब यूज करूंगी एक डार्क ब्राउन शेड। अभी सेम पैलेट में से ये वाली शेड मैं एक ब्रश के साथ, फ्लैट ब्रश के साथ लेना चाहूंगी। यू कैन ऑल्सो यूज अ सेटिंग स्प्रे एंड देन यू कैन टेक आउट द शिमर। नाउ विथ माई फिंगर टिप्स आई टेक दिस कलर। अभी हम लोग यूज करेंगे एक ब्लैक काजल। यहाँ पर मैंने लिया है फेसेस की काजल, लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पर अप्लाई करेंगे। फिंगर टिप के साथ इसको थोड़ा सा स्मच कर देंगे ताकि हार्श लाइन ना दिखे। अभी मैं यूज करूंगी एक यू नो टील ग्रीनिश सॉर्ट ऑफ एक पेंसिल, आई पेंसिल। दिस इज सेफोरा से लिया था मैंने इसको। आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हो। अभी बारी है ब्रॉन्ज अप करने की फेस को, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फिजिशियंस फॉर्मूला की बटर ब्रॉन्जर यानी कि कॉन्टोरिंग। नाउ इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट पार्ट, दिस इज ब्लश। मैं यूज करूँ के ब्यूटी का ब्लश इन द शेड शुगर कैंडी। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई हाईलाइटर। हाईलाइटर के बिना तो आपके लुक बिल्कुल फीकी फीकी से पड़ जाती है एंड काफी लोगों को हाईलाइटर बहुत पसंद भी होता है। आई विल यूज टुडे शुगर हाईलाइटर इन द शेड शैम्पेन चैम्पियन। अच्छा वाला शेड है, डस्की स्किन टोन पर भी अच्छी लगती है, फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए भी सही है। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज किया शुगर का स्कारलेट ओहारा। दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट रेड लिपस्टिक। इतनी कंफर्टेबल है एंड कलर देखो आप कितना ब्राइट बना देते हैं चेहरे को। दोस्तों अभी आईब्रो बनाने की बारी है। फॉर आईब्रोज आई एम यूजिंग हेयर शुगर आईब्रो पेंसिल इन दिस शेड डार्क ब्राउन। आप ब्राउ जेल, ब्राउ पाउडर कुछ भी यूज कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वही यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स शो करती हूँ मेकअप ट्यूटोरियल्स में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको सेम टू सेम प्रोडक्ट्स ही यूज करना है। So yes guys, I am back after applying lashes and I have worn jewelry. आप देख सकते हो मैंने कुंदन की ज्वेलरी वेयर की है, कंगन वगैरह सब कुछ। तो बिंदी भी मैंने अप्लाई की है। If you want to skip this, you can skip बिंदी, लेकिन ये लगाने से चेहरा अच्छा दिखता है।
तो आई होप यू एन्जॉय दिस ट्यूटोरियल एंड दिस वॉज सुपर डुपर ईजी फॉर यू एंड रिव्यू भी मैंने आपके साथ शेयर की फाउंडेशन की छोटी मोटी सी. सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप नए उनके लिए बता रही हूँ उसके पास एक बेल आइकन है, ज़रूर प्रेस कीजिए, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाले. See you soon guys on my next video. Till then stay blessed. Bye bye. Love you all.